Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस सृष्टि में दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उसमें से एक चीज भी नहीं रहेगी तो इस सृष्टि नष्ट हो जाएगी। एक है रंग और दूसरी चीज है तरंग। रंगों का जितना ज्यादा हमारे मन पर, हमारे सोच पर, हमारे स्वभाव पर असर पड़ता है, उतना ज्यादा किसी अन्य चीज का असर नहीं पड़ता है। तो रंगों के क्रम में आज बात करेंगे पीले रंग की। पीले रंग के बारे में सारी जानकारियां आपको आगे कार्यक्रम में देंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 जून 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 11:55 तक, राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 14 जून 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, वैसे तो हर रंग अपने अंदर विशेषता लिए हुए होता है और रंगों का विशेष प्रयोग साधना जगत में, आध्यात्मिक जगत में जबरदस्त तरीके से किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि पीले रंग की विशेषता क्या है और ज्योतिष में इस रंग का महत्व क्या है। ये जो पीला रंग है, ये सूर्य के चमकदार हिस्से वाला रंग है। ब्राइट हिस्सा जो सूर्य का है, उसका रंग है पीला। ये मुख्य रंगों का हिस्सा माना जाता है। लाल, पीला और नीला, ये तीन मुख्य रंग माने जाते हैं। ये रंग स्वभाव से गर्म और ऊर्जा पैदा करने वाला होता है। पीला रंग अगर आप प्रयोग करें तो ये आपके पाचन तंत्र को, आपके डाइजेशन को, रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को और आपकी आँखों को सीधा प्रभावित करेगा। पीले रंग के अंदर
मन को बदलने की क्षमता होती है। ये आपके मन में शुभ विचार, मंगलकारी विचार ला सकता है। इसीलिए आप देखिए पवित्र कार्यों में कम से कम हिंदू परंपरा में पीले रंग का विशेष प्रयोग होता है। ये बृहस्पति का प्रधान रंग है, यानी बृहस्पति ग्रह का जो रंग है वो पीला है, और शुभता और पवित्रता के मामले में पीले रंग का कोई जवाब नहीं है। ये मन को शुभ और पवित्र बना सकता है। पीले रंग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, धन के निवेश में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आपको पहले बताया कि पीला रंग शुभता में, पवित्रता में सबसे ज्यादा ऊपर है। इस रंग की ताकत क्या है? ये रंग जीवन में शुभता लाता है, मन को उत्साहित करता है, मन के अंदर खुशियां लाता है और नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है। ये नजर दोष को या नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। हल्दी लगाना शादी विवाह में या नहाते समय शरीर में हल्दी लगा के नहाना, पीले रंग की हल्दी होती है, वो इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि एक तो एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, और दूसरा हल्दी का रंग पीला होता है जो नजर दोष से और नकारात्मक ऊर्जा से दूल्हा दुल्हन को या व्यक्ति को बचा लेती है। पीले रंग के प्रयोग से ज्ञान प्राप्ति में सुविधा होती है। जो छोटे बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई बढ़िया से करनी है, जिनको ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ने में अपना मन लगाना है, अगर वो पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करें तो ज्ञान प्राप्त करने में, चीज़ों को सीखने में उनको सुविधा होगी। और अगर आपके मन में तमाम नकारात्मक विचार आते हैं, तमाम कुविचार आते हैं और आप पीले रंग का प्रयोग करते हैं तो आपके मन के तमाम कुविचार दूर हो जाएंगे।
पीले रंग का प्रयोग ज्यादा करने से क्या नुकसान होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य और मन के मामले में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। माता लक्ष्मी की अगर एक बार उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। लाभकारी यात्रा के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि पीले रंग का अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें कि पीले रंग से पूरा पूरा फायदा हमें मिले। पढ़ने के और पूजा के स्थान पर पीले रंग का बहुत प्रयोग कर सकते हैं। पूजा के स्थान पर एक हिस्सा पीला करवा दीजिए, पढ़ने के स्थान पर एक हिस्सा पीला करवा दीजिए, अपनी टेबल पीले रंग की बना लीजिए, पीला कपड़ा बिछा लीजिए, अच्छा रहेगा। घर की जो बाहरी दीवारें हैं, जो आउटसाइड वॉल है, उस पर भी पीले रंग का प्रयोग करना अच्छा होगा। घर के अंदर अगर आपको पीले रंग का इस्तेमाल करना है तो पीले रंग के हल्के शेड का प्रयोग किया जा सकता है। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अगर आपको बार बार नजर लग जाती हो, बार बार आप बीमार पड़ जाते हो, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिए, अच्छा होगा। और मन को अगर सात्विक और शुद्ध बनाना है तो रोज सुबह पूजा के बाद हल्दी का तिलक लगाइए, आपको लाभ होगा। पीले रंग का प्रयोग करने से जीवन में शुभता और पवित्रता जरूर पैदा होती है, लेकिन ज्यादा यूज करना, ज्यादा प्रयोग करना आपको नुकसान कर देगा। आप केवल पीले रंग में ही डूबे रहेंगे तो उसके जितने फायदे होंगे, पीले रंग से संबंधित नुकसान भी आपको होगा। पीले रंग के प्रयोग करने में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? पीले रंग के ज्यादा प्रयोग से पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो सकता है। अगर आप ज्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करें और पीले रंग की चीजें जैसे सोना बहुत पहनने लगें
खूब सारा सोना पहनने लगें, खूब सारे पीले कपड़े इस्तेमाल करने लगें, घर की दीवारों पर पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करने लगें, आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेशन खराब होगा। आँखों में और सर में भारीपन की समस्या भी आपको हो सकती है। और पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करने से ये मन में अहंकार पैदा कर देगा, ईगो प्रॉब्लम पैदा कर देगा। और पीला रंग अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये हर समय आपको कॉन्शियस बनाए रखेगा, हर समय आपको चैतन्य बनाए रखेगा, इसी वजह से आपकी निद्रा में भी बाधा आनी शुरू हो सकती है। तो पीले रंग का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन संतुलन में बैलेंस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, परिवर्तन को स्वीकार कर लेना अच्छा होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी के साथ वाद विवाद ना करें, करियर में लापरवाही भी मत करिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। देखिए, सामान्यतः अपने घर में आप जब पूजा करते हैं तो मिट्टी की मूर्तियों या चित्रों से उपासना करनी चाहिए। सोने चांदी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति, इसका प्रयोग करना उचित नहीं होगा। हिंदू परंपरा कहती है कि हम मिट्टी के अंदर ईश्वर को स्थापित करते हैं, अपना भाव डेवलप करते हैं और समय आने पर उस मिट्टी की मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। अब जानते हैं दिनांक 14 जून 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 14 जून शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिश्री खा लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो आपका दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।